किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हैं कि जो चौड़ी पत्ती की खपतवार है लगभग सारी अच्छे तरीके से जल चुकी है। और चौड़ी पत्ती की खपतवार को आप काफ़ी कम खर्च में नियंत्रण कर सकते हैं, यानी मात्र 70 रुपये में आप 1 एकड़ की गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती की खपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन सी दवाई का आपको प्रयोग करना है और चौड़ी पत्ती के साथ ही आप सकरी पत्ती के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करेंगे और कम खर्चे वाली कौन सी दवाइयां हैं और अच्छे रिजल्ट वाली कौन सी दवाइयां हैं जिनका आप उपयोग करके गेहूं की फसल में खपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुशवाहा, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल पर बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज मिलती है हर प्रकार की खेती के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हम रिजल्ट के साथ आपको दिखा रहे हैं कि जो खास है वो काफ़ी अच्छे से जल चुकी है। और अगर आप चौड़ी पत्ती को नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेथ सल्फ्यूरान मिथाइल का उपयोग करना होगा। मेथ सल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP फॉर्म में आती है और इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये मार्केट में कई नाम से अवेलेबल है, एक तो आप देख रहे हैं कि ये कृषि रसायन की क्रीमेट के नाम से भी है और इसी के साथ आप डूपॉन्ट कंपनी के अलग्रिप के नाम से ले सकते हैं और भी अलग कंपनी का आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको कंटेंट ध्यान रखना है कि उसमें मेथ सल्फ्यूरान मिथाइल 20% होना चाहिए। तो ये जो दवाई है ये चौड़ी पत्ती की सारी घास को समाप्त कर देती है। उसी के साथ साथ इसका जो खर्च है काफ़ी कम है, मात्र 70 रुपये का ये पैकेट आता है। और इसके आप इसके अंदर दो प्रकार की दवाइयाँ निकलती है। जो मेथ सल्फ्यूरान होता है वो करीब 8 ग्राम का पाउच होता है, उसमें एक 8 ग्राम का पाउच है। उसी के साथ साथ 200 ml की उसमें सर्फेक्टेट यानी चिपको होता है। मेथ सल्फ्यूरान को घोलना होता है, उसके बाद आपको उसमें चिपको मिलाना होता है। तो इसमें 8 पंप आप बना सकते हैं और 8 पंप बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि आप राई और उसी के साथ साथ दूधी और भी बहुत सारी ऐसी चौड़ी पत्ती की घास होती है जिसको आप नियंत्रण कर लेंगे। अब बात करते हैं सकरी पत्ती की। तो सकरी पत्ती को नियंत्रण करने के लिए आप पाइरोक्सोफ प्रोपोनाइल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये 15% आता है WP फॉर्म में और ये विकेट के नाम से है PI कंपनी का, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर चाहे तो पाइरोक्सोफा प्रोपोनाइल किसी अन्य कंपनी का भी आप ले सकते हैं, वो भी चल जाएगा। तो ये सकरी पत्ती को आसानी से नियंत्रण कर लेता है। और जैसे कि गुल्ली डंडा हो गया, जंगली जौ हो गया, सारी घास को आसानी से ख़त्म कर देता है। अब बात करें इसकी पैकिंग की, तो इसमें कुल 8 पाउच आते हैं, 8 पाउच और 20 ग्राम का 1 पाउच, तो इस प्रकार से 160 ग्राम का ये पैक है। और इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको 200 से 250 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 250 रुपये इसकी कीमत हो गई और 70 रुपये इसकी, तो कुल 300 या 350 के लगभग आप 1 एकड़ में सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार की घास को अच्छे से नियंत्रण कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, आप चाहे तो इन दवाई का उपयोग कर सकते हैं। ये भी 8 पंप का है और ये भी 8 पंप का। तो अगर आपको ऐसा लगे कि इस दोनों दवाइयों को मिलाने में थोड़ा झंझट है, तो वैसे में आपको क्या करना है कि आप UPL कंपनी की वेस्ता भी ले सकते हैं, लेकिन आपका खर्च बढ़ जाएगा, वो आपको 550 रुपये के लगभग पड़ेगी 1 एकड़ का। तो जो UPL की वेस्ता आती है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं गेहूँ की फसल में और खपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा है और आपको 1 एकड़ का जो खर्च है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, यानी करीब 500 से 550 के लगभग आपको खर्च आ जाएगा उसमें। तो इसीलिए मैं आपको ये दोनों दवाइयाँ सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वेस्ता के अंदर भी ये दोनों कंटेंट ही आपको मिलेंगे, एक तो मेथ सल्फ्यूरान और पाइरोक्सोफ प्रोपोनाइल। तो ये दोनों कंटेंट का जो मिश्रण है वो UPL कंपनी की वेस्ता में होता है, तो वो भी यही काम करेगी। और आप चाहे तो उसको ले सकते हैं, वो भी अच्छा काम करती है, लेकिन बात सिर्फ खर्च की, आपका खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, यह थी छोटी सी जानकारी गेहूं की फसल के बारे में। अभी हम आगे आपको ये भी जानकारी देंगे कि गेहूं की फसल में हम कौन से खाद का उपयोग करके इसका उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। और अभी आप हमें बताइए कि जो हमारी पूसा तेजस 87-59 की ये फसल है,
वो किस प्रकार से है, इसमें आपको क्या कमी नज़र आ रही है, उस हिसाब से हम आपको आगे ट्रीटमेंट की जानकारी देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।